हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस का मामला धीरे धीरे गंभीर से और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। पूरा मामला जातीय मुद्दे पर आ खड़ा हुआ है। पीड़िता के परिवार के खिलाफ एक खास जाति के लोग पंचायत के बाद पंचायत कर रहे हैं और अब निर्भया कांड के आरोपियों के वकील एपी सिंह हाथरस आने वाले हैं। उन्होंने आरोपियों की ओर से मुकदमा लड़ने की सहमति जाहिर की है। आज एपी सिंह हाथरस पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जातीय गोलबंदी और हिंसा की आशंका को लेकर पुलिस चौकन्नी हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का बुलगड़ी गांव। इस गांव की 19 साल की दलित लड़की के साथ 14 सितंबर को की गई है वारदात। 28 सितंबर की सुबह सुबह उसकी मौत। मामला अब तक शांत नहीं हुआ है बल्कि दिनों दिन और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस मामले को लेकर क्षेत्र में जातीय चिंगारी उठी है उससे परिवार डरा सहमा है। आसपास के 12 गांव के सवर्ण लोगों की पंचायत को लेकर जातीय हिंसा की आशंका बनी हुई है। क्षत्रिय राजपूत महासभा ने कहा है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। बेटी को न्याय मिले लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया न जाए। मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल। मैं लवकुश के पास ही थी जा वक्त पर जो घटना उठी है। जब लवकुश के पास में चारा काट रही थी खेत में अपने में, मेरा बेटा निर्दोष फंसाया जा रहा है। मैंने तो खुद पानी ला के उसको बेटा से बोल के पानी मंगाया, पानी ला के उसकी माँ के हाथ में दिया के बेटा इस लो भाभी इसे पिला दो और मेरा बेटा निर्दोष फंसाया जा। मेरा बच्चा घटना वाले दिना गांव में ना हो, वो करीब 7 बजे रोज की तरह ड्यूटी चलो जाते चिलर पे और घटना बिल्कुल असत्य है। जो बच्चे निर्दोष बताए जा रहे हैं सबरे के सबरे, इनमें मौके पे कोई नहीं है। और मेरा बच्चा मेरे पास गाय पिला रहा था पानी, मैं उसके साथ था, बाल्टी भर भर के पानी पिला रहे नवारे दोबारे। वैसे तो यूपी पुलिस ने हाथरस कांड के आरोपियों के पक्ष में पंचायत करने वाले 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR महामारी एक्ट के उल्लंघन और धारा 144 तोड़ने के मामले में दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि महापंचायत के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। EBI जांच का पूरा गांव बहुत स्वागत कर रहा है। उनका कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक ही पक्ष, एक तरफा सुनवाई हो रही है, एक ही पक्ष को सुना जा रहा है। और ऐसे में ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि लगातार CBI जांच की शुरुआत हो चुकी है, अब केंद्र सरकार को उसकी सिफारिश भेज दी है, आपको क्या लग रहा है कि अब सच्चाई सामने आएगी? बिल्कुल, अब तो सच्चाई दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा और जो दोषी है वो फंसना चाहिए और जो निर्दोष है वो बचना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि जो भी होगा भले ही थोड़ी देर भले हो लेकिन जांच बिल्कुल ठीक होगी? बिल्कुल बिल्कुल, CBI पर तो सबको ही भरोसा है, जितने हैं सबने इसका स्वागत किया है और ये हमारी मांग भी थी। सर बिल्कुल CBI जांच बिल्कुल होनी चाहिए, होगी ये तो हमारे पक्ष में भी होगा और सबके पक्ष में होगा। निर्दोष मतलब जो निर्दोष है वो बचना चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाथरस केस में एक तरफ जहां दंगे कराने के साजिश के खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ताजा हालात को देखते हुए पीड़िता का परिवार गांव छोड़ने की बात कर रहा है। परिवार ने कहा है कि वो डर में जी रहे हैं और गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। आरोप है, अब हम तो जा चीज में हम कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। हमारी यही उम्मीद है, हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये तो हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद तो ये है कि क्या कहते हैं हमें तो सरकार से न्याय मिलना चाहिए। परिवार ने ये भी कहा है कि हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद किसी ने पानी तक नहीं पूछा, हमारी मदद करने के बजाय लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे। पीड़िता के पिता ने कहा हमें तो आगे चलकर मौत दिखाई दे रही है, हम सोच रहे हैं कि कहीं नाते रिश्तेदारी में चले जाएं। हाँ हमें डर लग रहा है, एक जैसे कि कुछ हमें कोई पता नहीं है कि क्या करवाएंगे, क्या होगा हमारे साथ, हम लोगों को अपनी जिंदगी को कोई पता ही नहीं। वो गाड़ी के सामने लेट गए, पुलिस वाले ने उनके सीना में ही लात मारी बहुत तेजी से। जो लड़की की भाभी उनपे चिल्लाया, जो दीदी है उनको इतनी बुरी तरह से चिल्लाया। कई लोग दहशत की वजह से पूछने नहीं आ रहे कि आप कैसे हो। हमारे मन में भी दहशत है, कहीं भी चले जाएंगे
भीख मांगेंगे, खाएंगे। पीड़ित के बड़े भाई का कहना है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर रहना मुश्किल है। छोटे भाई को मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता के छोटे भाई ने कहा कि हमसे कोई भी पूछने नहीं आया, आप भूखे हो या कैसे हो। ये स्थिति है हाथरस के बुलगड़ी गांव की, जहां की तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है, जहां पीड़ित परिवार कह रहा है कि अब इतना डर लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि गांव छोड़कर ही चले जाएं और किसी रिश्तेदार के यहां रह ले। जो मामला बलात्कार और हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें पीड़ित परिवार लगातार कहता रहा, पीड़िता का बयान तक है सामने जिसमें वो कहती रही कि बलात्कार हुआ है, अब उसे जातीय रंग देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तमाम एंगल्स इसमें सामने आ चुके हैं। हाथरस में ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ तीन सहयोगी मौजूद है, रक्षित सिंह मौजूद है, रविकांत मौजूद है और अभिषेक मौजूद है। सबसे पहले रविकांत का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हैं। रविकांत, क्या स्थिति है? किले में तब्दील तो पहले भी था घर, लेकिन परिवार को तब भी पुलिस पर भरोसा नहीं था और अब भी पुलिस पर भरोसा नहीं। बिल्कुल, किले में तब्दील और ज्यादा कर दिया गया है। बाहर एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। जो कोई भी अंदर आ रहा है उसका सिग्नेचर होता है, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ दर्ज किया जाता है। यहाँ पर जो परिवार है उनका कहना है कि पहले दिन से अभी तक जो हमारे रिश्तेदार थे उन लोगों से मिलने में भी दिक्कत हुई। शुरू में भी रिश्तेदार आकर के लौट गए और अभी सुरक्षा हो गई है, लेकिन फिर भी परिवार को अनेक शिकायतें हैं। कई सारी शिकायतें परिवार कर रहा है जिनमें सुरक्षा जो है वो मुख्य बिंदु बना हुआ है। जी, मेरे दो और सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका भी एक एक करके रुख कर लेते हैं। अभिषेक रावत भी हमारे साथ है, रक्षित भी हमारे साथ है। रक्षित, इस पूरे मामले को लगातार एबीपी न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, हमने वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया, ऑपरेशन हाथरस, जिसमें कि वो लोग जो अब तक कह रहे थे कि नहीं इस मामले में कुछ तो डाउटफुल है, वो स्टिंग कैमरा पर तो ये बोलते हुए नजर आए हैं कि जिनका नाम लिया जा रहा है वो भी मौके पर मौजूद थे। चलिए, थ्योरीज कितनी भी दे दी जाए इस पूरे मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जो लड़ाई बलात्कार और हत्या के केस में इंसाफ के साथ शुरू हुई थी कि भाई बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है, उस मामले में जांच हो, इंसाफ मिले, अब वो जातीय रंग में तब्दील कर दी गई है, जातीय रंग में रंग दी गई है। प्रतिमा, देखिए, ये कहना कि जातीय रंग में वो तब्दील कर दी गई है, कम से कम यहाँ पर एक हफ्ता रहने के बाद में ऐसा नहीं नजर आता, क्योंकि ये बात किसी एक जाति विशेष की नहीं है। जिस पंचायत की हम बात करते हैं उस पंचायत में कई जाति के लोग आए थे, गांव के अंदर मिलीजुली आबादी है, भले ही सभी स्वर्ण है लेकिन जातियां उनकी अलग अलग है और सभी लोगों का यही कहना है कि जो आरोपियों का परिवार कह रहा है वही बात सही है। इस मामले में अखिल क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधि मंडल आज पहुंच रहा है गांव में, क्या मकसद हो सकता है, क्यों जा रहे हैं आप? मकसद है सीधा जाकर वो आरोपियों के परिवार से संभवतः मिलेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके की पूरी कोशिश है, चाहे आज वकील हो एपी सिंह, वो खुद हाथरस पहुंचने वाले हैं, तो वो भी संभवतः जाकर सीधे के सीधे आरोपियों के परिवार से मिलेंगे। तो आरोपियों के परिवार के संग भी विभिन्न संगठन, विभिन्न लोग और अब तो यहां तक कि वकील जो है दिल्ली के एपी सिंह, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और वो भी जाकर मिलेंगे। और इन्फॉर्मेशन तो ये भी है कि राजस्थान से कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी आज आने वाले हैं और वो आकर सीधे सीधे आरोपियों के पक्ष में एक तरीके से अपना समर्थन रखेंगे। जी प्रतिमा जी, अभिषेक रावत का भी रुख कर लेते हैं, अभिषेक भी हाथरस में ही मौजूद है। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब आज रिक्रिएशन की बात हो रही है, क्राइम सीन पर रिक्रिएशन की बात हो रही है, महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या मिलेगा पुलिस को आज? बिल्कुल प्रतिमा, आज जो है ये चर्चा है कि जो एसआईटी है वो आज उसी मौका वारदात पर पहुंचेगी और फिर पूरे सीन का रिक्रिएशन करेगी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि लगभग एक महीने बाद अब वहां पर रह क्या जाएगा। तो यहां पर जो हमारी एसआईटी की टीम के अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि हमें वहां पर जाकर कोई सबूत एकत्र नहीं करने, हमें उस सीन को पूरा रिक्रिएट करना है और जिस तरीके से जो पीड़ित पक्ष के बयान रहे हैं उनके अनुसार देखना है कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, जो जो तरीका उन्होंने बताया कि किस तरीके से लड़की के ऊपर वार किया गया है, फिर उसे कैसे अस्पताल पहुंचाया, कैसे बाइक पर बैठाया, तो वो सब वो सीन को रिक्रिएट करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जिस तरीके से पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं या जो तरीका बताया है वारदात का, उसी के अनुसार वो सब होता है या फिर उसमें कुछ फेरबदल है। क्योंकि यहाँ पर लगातार जो आरोपी पक्ष है और या फिर जो अन्य गांव वाले हैं वो चारों आरोपियों को बेकसूर बता रहे हैं, इसलिए यहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाए और जो साइंटिफिक
उसमें एंगल हैं, उनके अनुसार उस पूरे मौका वारदात पर उस पूरे अपराध को दोबारा से क्रिएट करके जांचा जाए। बिल्कुल अभिषेक, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एंटी रेप एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जुड़ गई हैं। योगिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो उस दिन मौके पर भी मौजूद थी जब हम हाथरस में थे। बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है कि अगर पीड़िता डेथ बेड पर अपनी ये कहते कहते चले गई कि बलात्कार हुआ है, मारने की कोशिश की गई है, तो इस मामले में उस लाइन पर चलते हुए कार्रवाई करने की बजाय अब नई नई थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। पूरा मामला जाति पर जाकर टिक गया है। देखिए, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मतलब मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी और केस पे इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि जो राजनीति इस केस पे खेली जा रही है, निर्भया हुआ पर इमीडिएटली सारे एक्शंस हुए, जो भी चाहे वो दबाव के कारण हो या जो भी परिस्थितियां उस समय पैदा हुई। पर इस तरह से कीचड़ उछालने का जो नया चलन शुरू हुआ है विक्टिम पे या विक्टिम के परिवार पे, वो मुझे लगता है हमने कभी इतिहास में नहीं देखा। हाँ, भवरी देवी केस में भी उन पर काफी कीचड़ उछले थे, पर बाद में वो सही साबित हुई और उन पे कानून भी कितने सारे हमने देखा है, उन्होंने एक नई उसकी शुरुआत की। मैं कहती हूँ कुछ भी हो, मतलब ये विषय तो अभी जांच का है, ये कीचड़ उछालने की जो राजनीति शुरू हो गई है, ये बंद होना पड़ेगा। आई थिंक उन सबको बुक करना चाहिए आईपीसी के अंडर, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है विक्टिम का या उसके परिवार का। देखिए, रेप हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया है नहीं किया, हुआ मतलब वो मर गई है जी, और उसके ऊपर इंजरीज थी, हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन डेफिनेटली इनको मानना चाहिए। चलिए, मान लिया जांच का विषय, आप करिए जांच, हालांकि आएगा वही, क्योंकि उसके 164 के बयान है, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, व्हाटएवर शी इज सेइंग वो माना जाएगा। पर चलिए, हमारा समाज ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, पर कम से कम कीचड़ उछालना बंद कीजिए। बिल्कुल, जो ये मैं आपको बता नहीं सकती, इतना दुख होता है जब ये बाकी मीडिया चैनल्स भी क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे। कल एक प्रतिष्ठित, तो मैं नहीं बोलूंगी, एक चैनल है वो उल्टा सीधा बोल रहे थे विक्टिम के बारे में। ऐसे मीडिया को भी बुक करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी बुक करना चाहिए। योगिता, मैं आपके पास लौटूंगी, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। और आपको बता दें कि आगे हमारे साथ सीमा कुशवाहा भी जुड़ रही है। योगिता, तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। सीमा कुशवाहा, निर्भया के जो दोषी थे उनको सजा दिलाने में बेहद अहम भूमिका थी, वो हमारे साथ जुड़ रही है, तो इसलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए, हाथरस केस को लेकर यूपी में बवाल मचा है। इस बीच योगी सरकार महिला सुरक्षा के लिए कुछ और बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। आज दोपहर लखनऊ में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, ये खबर आई है सामने। गृह विभाग की इसी बैठक में 1090 एंटी रोमियो स्क्वाड के अफसर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी अधिकारियों से चर्चा भी करने वाले हैं, तो क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। तो बात कर रहे हैं हम हाथरस की। हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई अब सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आरोपियों की ओर से निर्भया कांड के आरोपियों का केस लड़ने वाले वकील एपी सिंह पैरवी करेंगे। एपी सिंह का आरोप है कि हाथरस की पीड़िता को उसके ही भाई ने मारा है। एपी सिंह को भी हम लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ योगिता भयाना जुड़ चुकी है, एंटी रेप एक्टिविस्ट है। सीमा कुशवाहा, जिन्होंने निर्भया के दोषियों को सजा दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे दो सहयोगी रविकांत और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले ये रिपोर्ट। एपी सिंह नाम तो सुना होगा आपने, अरे वही एपी सिंह जिन्होंने निर्भया कांड के आरोपियों का केस लड़ा। अब वही एपी सिंह हाथरस मामले में भी आरोपियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने को तैयार हैं। उनका कहना है कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है और एक हफ्ते के बाद इस मामले में पीड़िता के परिवार से नेताओं के मिलने के बाद इस घटना में रेप की एफआईआर दर्ज करवाई गई। एपी सिंह पर पहले ही निर्भया के मामले में केस को लटकाने और निर्भया को इंसाफ मिलने में रोड़ा अटकाने के आरोप हैं। एपी सिंह के मुताबिक पीड़िता और उसकी मां के शुरुआती बयानों में भी बलात्कार की बात कहीं नहीं कही गई है, इसीलिए आरोपियों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने ये केस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पीड़िता के शव के साथ हाथरस प्रशासन ने जो कुछ भी किया वो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए शव ही नहीं दिया गया, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन रेप के आरोप में कई झोल हैं। एपी सिंह ने कहा कि कई क्षत्रिय संगठनों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि हाथरस कांड में जबरन रेप के आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, इसीलिए संगठनों और अभियुक्तों के परिजनों के आग्रह पर उन्होंने ये केस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि हाथरस को राजनीतिक दलों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है, सभी राजनीतिक दल इस पर राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगे हैं।
इस मामले में इसलिए पीड़ित पक्ष के साथ ही आरोपियों को भी न्याय दिलवाने के लिए निष्पक्ष सुनवाई की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, इम्पार्शल हो, निष्पक्ष रूप से किसी केस की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से बिना किसी राजनीतिक दबाव, बिना किसी राजनीतिक दल, बिना किसी राजनीतिक शक्ति के। क्योंकि हुआ क्या इस केस में, जो शुरू से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, एक तो दलित और सवर्ण के बीच खाई बना दी गई कि ये खाई किस लिए बना दी गई। अगर उन दोनों में, लड़के लड़की में प्रेम था तब भी तो वो दलित और सवर्ण थे, उस समय कहाँ थी ये खाई, उस समय कहाँ थी राजनीति। दूसरी बात, हाथरस को एक पिकनिक पॉइंट की तरह बना दिया गया, स्पॉट बना दिया गया, वहां सारे राजनीतिक दल, सारे सत्ता पर के लोग जुड़े हुए, जो सत्ता के नशे में रहते हैं, सत्ता की चाहत में रहते हैं, सत्ता के उसके लिए रहते हैं, वो वहां से राजनीति करने के लिए हाथरस पहुंचने लगे। किसी केस में राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी दल के द्वारा राजनीति नहीं होना चाहिए। प्रथम दृष्टा पहली एफआईआर अंडर सेक्शन 307 की रजिस्टर 307 की, मतलब मारपीट झगड़ा 307, यही तो होती है। 307 मां रेप की बात नहीं, मां रेप की बात नहीं करी, मां साथ में थी, मां उनके साथ थी तो किस लिए फिर बात थी। तो ये सब चीजें हैं वहां, ये हैं सामने। देश को झकझोर कर रख देने वाला दिल्ली का निर्भया कांड हो या धार्मिक विश्वास को दरकाने वाला बाबा राम रहीम का मामला, या अब दलित बनाम सवर्ण कथित गैंगरेप और हत्या वाला हाथरस कांड हो, इन सभी मामलों से वकील अजय प्रकाश सिंह यानी एपी सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। सुना आपने एपी सिंह को, ये वही एपी सिंह है जिन्होंने निर्भया के दोषियों को बचाने की पुरजोर कोशिश की थी, एक लंबी लड़ाई लड़ी इस मामले में। सीमा कुशवाहा ने भी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, एपी सिंह तो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सीमा जी, रेप के आरोप में ही झोल है, जो वकील शुरुआत में कह रहा है रेप के आरोप में झोल है, फिर वो कह रहे हैं कि पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, आज पिकनिक मनाने ये भी जा रहे हैं अगर देखा जाए तो, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंच रहे हैं, तो उसे भी पिकनिक कहा जाएगा क्या? देखिए प्रतिमा जी, पहला वीडियो उस बेटी का देखिए जो आज हम सबके बीच नहीं है, पहला फर्स्ट वीडियो जो पुलिस स्टेशन का है, उसमें उनका कहना है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई। जबरदस्ती का मतलब क्या है, आप रूरल एरियाज में जाकर के देखिए, जब उन लोगों से बात करेंगे वो लोग या तो रेप को बोलते हैं मेरे साथ गलत हुआ जी, या बोलते हैं उसने कोशिश की, जबरदस्ती की मेरे साथ, उसका मतलब क्या है। छोड़ दीजिए कि कौन कौन आया वहां, कौन दलित की राजनीति कर रहा था, कौन किसकी राजनीति कर रहा, पॉलिटिक्स बिल्कुल दूर है। उस दिन कौन था, उस बेटी की माँ जो अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पाई जब वो बेहोश थी, और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंची है वहां पर किसी शख्स ने वीडियो बनाया। नेग्लिजेंसी पुलिस की देखिए कि उस बेटी को देखे बिना, उसके शरीर को देखे बिना इन लोगों ने, उस भाई ने जो लिख करके दिया, उससे कह दिया जो हुआ आप लिख करके दे दो, ना तो उस भाई को सिर्फ अपनी सिस्टर का शरीर दिख रहा है, उसकी मां ने उसको कपड़े पहनाए हैं अपनी बेटी को जब वो खेत में थी, ये सारी चीजें, और उस बेटी का फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की गई, वहां पर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई है। जब चीजें नहीं सुनी गई है और हमारे पास ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट एफआईआर को हम ये नहीं मानते कि सिर्फ वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है लेकिन वो लास्ट नहीं होती है, जो भी एविडेंस आते हैं इंक्वायरी में उनके आधार पर चार्जशीट में भी नए नए सेक्शन सेट किए जाते हैं, तो ये किस तरीके का। और दूसरा बात कि ये बोल रहे हैं कि उनके लोग बोल रहे हैं कि उनके भाई ने मारा है। प्रतिमा जी, मेरे पास लगता है इस पर जो आप बात कह रहे हैं ना, उसे पुख्ता तौर पर रख पाएंगी योगिता चूंकि एंटी रेप एक्टिविस्ट है, ये उन तमाम रेप विक्टिम से मिली भी होंगी। इस केस में तो विक्टिम कहते कहते आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी हालत इस कदर खराब थी कि वेंटिलेटर पर थी। योगिता वाकई ये डिफिकल्ट होता होगा जैसा कि सीमा कह रही है, किसी के लिए भी ये कबूल कर पाना, और जब बात होती है गांव के परिवेश की, वहां पर ये एक्सेप्ट कर पाना कि बलात्कार हुआ है, बहुत मुश्किल होता है ये खुलकर कह पाना। जी, मेरी माताजी से इस बारे में बात भी हुई, क्योंकि जब ये वीडियोज आए तो मुझे लोगों ने पूछा, आप तो दो बार वहां होकर आई हैं, आपने उनसे बातचीत की है, तो आपने पूछा नहीं कि उन्होंने ये वीडियो पे, जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रही है कछु नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो लोगों ने मुझ पर सवाल करने शुरू कर दिए, वो तो झूठ बोल रही है। तो मैंने बोला, मैं कहीं पर भी कभी भी ऐसी स्थिति होती है, ज्यादातर ऐसे ही केसेस में जाते हैं जहां बच्चियों का मर्डर, मतलब रेप के बाद मर्डर हो जाता है, काफी सारे केसेस हैं,
तो जब हम जाते हैं हम इंटेरोगेशन नहीं करते, एटलीस्ट हम तो लीस्ट है कि हम सहानुभूति दिखाएं, हम उनसे पहले उनका हाथ पकड़े, उनके साथ थोड़ा अपनी भावनाएं शेयर करें, उसके बाद हम केस की टेक्निकलिटी और लीगैलिटी पे आते हैं। तो मैं वो इंटेरोगेशन करने नहीं गई थी उनकी, पर मुझे ये सवाल उनसे पूछना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे यहाँ पर घेरा जा रहा था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला कि कुछ नहीं हुआ है। देखिए मुझे इसका जवाब पता था, फिर भी मैंने हिम्मत करके उनसे इसलिए पूछा क्योंकि बाहर इस बात की क्लैरिटी बहुत जरूरी थी जानी। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ यही बोला कि मैं कैसे बोलती मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, मैं अपना माइंड नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे दिख रहा था, और टेक्निकली तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला सामाजिक परिस्थितियों की वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तो देखिए ये एक सत्य है हमारे देश में, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, आज भी मैंने कहीं लिखा है, तो उसको मानना बड़ा मुश्किल है हमारे समाज में। पहले तो सोचना पड़ता है कि ये बात बतानी भी है कि नहीं, इसीलिए 90% केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते हमारे देश में। तो माँ की मनोस्थिति, अब मीटू को इतना फेमस कर रहे हैं, मीटू में सालों साल बाद लड़कियां आ रही हैं छेड़छाड़ या सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, हम उनको भी तो मान रहे हैं ना। तो ये तो एक जघन्य अपराध जिसमें बच्ची मर गई है, अगर इसमें भी अगर हम ये बोल रहे हैं माँ ने उस दिन तो ऐसा बोला आज वो मुकर रही है, अरे वो गांव की महिला है, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए ये बोलने के लिए कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो छुपाना चाहते हैं, सबको पता है हमारा समाज ऐसा है। तो क्यों उन पे सवाल किए जा रहे हैं, क्यों नहीं उनकी बात मानी जा रही, क्यों नहीं वो बच्ची जो चली गई वही किसी बैंक को प्रताड़ित क्यों किया जाता है, आखिरकार ये बड़ा सवाल है योगिता। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार पूछ रहे हैं कि आप किसी और की भले ही ना सुने, पीड़ित परिवार जो कह रहा ना सुने, लेकिन पीड़िता जो कहते कहते चले गए आप उसको कैसे नकार सकते हैं। सीमा जी, इस पूरे मामले में हम लगातार बात कर रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन की, जो बहुत अहम होता है, जिसे आपको मानना होगा, लेकिन उसे कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, छोटे मोटे अलग अलग स्टिंग ऑपरेशन करके, छोटे मोटे अलग अलग वीडियो क्लिप्स लाकर, और ये बताने की कोशिश करते हुए कि भाई परिवार ने पहले कुछ कहा था फिर कुछ कहा था। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया, और जब ये ट्रायल चलेगा ट्रायल के दौरान क्या स्टेटमेंट फैमिली दे रही है या पीड़िता का जो टाइम डिक्लेरेशन है। मीडिया में जो बातें चल रही हैं मैनिपुलेट करके टेम्पर करके, उन पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ। निर्भया केस में भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जब ये लास्ट दिसंबर 2019 से लेकर के मार्च तक का पॉलिटिकल भी चीजें बनाई गई सारी चीज, लेकिन हमारी जो जुडिशरी है वो फैक्ट पर चलती है, जो वहां पर आई विटनेसेस है उनके एविडेंस जो होंगे उनके स्टेटमेंट होंगे उन पर चलेगी। और एक और चीज मैं आज आपके चैनल से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो इनका भाई है उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि संदीप उसने और इनकी मदर ने मारा है। प्रतिमा जी वो वीडियो मैंने कलेक्ट कर लिया है, इनका भाई वहां पर मौजूद नहीं था, वो वसुंधरा में डैम में काम कर रहा है। इस मामले में आरोपियों का जो पक्ष रखने वाले हैं सामने ऐसा कहा जा रहा है, एपी सिंह वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी का पहले रुख कर लेते हैं। एपी सिंह जी, इस मामले में आपने तय कर लिया है कि आप आरोपियों के तरफ से खड़े होंगे इस पूरे मामले में, और क्या आधार है, आप क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले जी, में जी, हुआ जी, क्या बिल्कुल बिल्कुल हुआ बिल्कुल। क्या है एपी सिंह जी? देखिए लीगल बात करें, हम सारी डॉक्यूमेंट्री जो हमें आप लोगों के द्वारा अभी तक दिखाया गया और देखा, और जो फैक्ट सामने आए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा सामने लाए गए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और अभी तक जो एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है, एसआईटी के अधिकारी कर रहे हैं, उसके आधार पर यह आया है कि सबसे पहली जो एफआईआर हुई, एफआईआर एक तरह से पूरा बेस होता है केस का, उसमें अंडर सेक्शन 307 है, 376 की कोई बात नहीं, एफआईआर साफ तौर पे लिखी है, पीड़िता के भाई के द्वारा लिखी गई है, और उसका बयान और उसका वो सब हमारे पास है, उसमें कहीं भी रेप नहीं है, कहीं भी गैंग रेप नहीं है, कहीं भी इस तरह की बात नहीं है, सीएसटी की बात नहीं है। तो उस समय एफआईआर एक ही होती है, डाइंग डिक्लेरेशन के कोई मायने होते हैं कि नहीं? किसने डाइंग डिक्लेरेशन के फर्स्ट डिक्लेरेशन के मायने हैं? मैं क्वेश्चन हाँ योगिता आप कंटिन्यू कीजिए, आप पूछना चाहते हैं कुछ एपी सिंह से तो आप कहिए। अरे मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ, एफआईआर होगी तो होगी, इसमें ऐड डिलीट जो होता है प्लस माइनस सब होता है, रेप में वो होता है, इनको हो गई तो हो गई, नहीं होती है। एफआईआर इज नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस, एफआईआर कूड़ा कचरा नहीं है, एफआईआर कूड़ा कचरा नहीं है, एफआईआर कूड़ा कचरा नहीं है। पीड़िता के भाई किसी थर्ड पर्सन ने कराई, माँ भी थी उस समय, माँ भी थी उस समय, पीड़िता भी उस समय, भाई भी उस समय, तीनों लोग थे उस समय एफआईआर पे। आपको ऐड होता है, एफआईआर जो कराने का, आप मर्जी से ऐड नहीं होता, मर्जी से ऐड नहीं होता है।
जितने बलात्कारी है एपी सिंह को बचाना है, सारे बलात्कारियों को एपी सिंह ने बचाने का ठेका ले रखा है, क्योंकि नहीं है। आपकी मानसिकता दिखती है, जितने हिंदुस्तान में बलात्कारी है आपको सबके लिए पहुंचना है। आप सबकी मानसिकता बलात्कारियों के फेवर में चले जाते हैं, आप स्टडी भी नहीं करते हैं, आप पीड़िता के लिए एडवोकेट है, आप कैरेक्टर एसोसिएशन करते हैं, आपकी जो प्रैक्टिस को रोक देना चाहिए। आपको किस तरह से नहीं दिख रही, उसमें आपको देश की बेटी नहीं दिख रही, सुल्तानपुर के लिए बाहर कर देना चाहिए। हैरानी होती है कि जिस दृष्टि से अलाउ करती है लखीसराय एपी सिंह जी, सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है, जातिगत खाद्य खाई कौन खोद रहा है, कौन खोद रहा है? एपी सिंह जी, आज आप जब हाथरस पहुंच रहे हैं, आप मुझे ये बताइए केस ट्रायल के आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जातीय खाई किसने पैदा की, किसने खड़ी की है? आप आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इनके साथ पहुंचे आप आज हाथरस? ये इसलिए है क्योंकि जातिगत खाई, वहां कंप्लेंट आपको दिखाऊं, उसमें बाद में पूरे बयान के बाद लिखा गया मैं वाल्मीकि जाति का हूं, ये वहां से शुरू हुई है। जब वहां और सेना में नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जैसे सीमा कुशवाहा पहुंची थी वैसे आप भी एक वकील की तरह पहुंच जाते हैं बैरिकेड पर कि भैया मुझे केस लड़ना है, इनके साथ पहुंचने की क्या वजह? नहीं नहीं नहीं, वैरीगेट पे न्यूज चैनल पहुंचते हैं और वो पहुंची होंगी। डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट वैरीगेट पे नहीं पहुंचता, ठीक है, वैरीगेट पे नहीं पहुंचने के चुप रहता हूँ। आप ये बताइए एपी सिंह जी, जब पीड़िता की माँ, कोई बात नहीं, हमें हमारे क्लाइंट समझते हैं, हमें हमारे क्लाइंट समझते हैं, उन्हें समझने दीजिए। मैं सबको समझाने के लिए नहीं हूँ कि मैं सबको समझाऊं, मैं सबको नहीं समझाऊंगा, मैं जो मेरे क्लाइंट है वो मुझे समझते हैं, वो जानते हैं, इसीलिए आपको परेशानी होती है, इसीलिए आपको परेशानी होती है इनके क्लाइंट इनके इतने मजबूत होती है। आपको हर बलात्कार में कितने एग्जाम्पल्स दे दें कि आपने बहुत और अलग अलग मामलों में पीड़िताओं की भी आवाज उठाई है, लेकिन आपने जिस तरीके के बयान हमेशा हर स्तर पर महिलाओं को लेकर दिए हैं ना, उसको लेकर सवाल उठते हैं कि आपको हमेशा पीड़िता जो होती है उसको प्रताड़ित क्यों करना होता है? इस तरीके की बातें क्या? सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई आप क्या कह रहे हैं इस मामले में? झूठ बोला गया? सहन करने के लिए आप क्या कह रहे हैं? प्रतिमा सच्चाई सहन करने के लिए जी बोले बोले, अगर सच्चाई चैनल पर बोली जाएगी तो फिर एसआईटी तो बेकार है, सीबीआई भी बेकार होगी, सबको सच्चाई तो एपी सिंह जी जान रहे हैं ये किस तरीके की बात की जा रही है। जब हम टेक्निकल बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम उस लड़की का स्टेटमेंट है जहां पर कोई भी ना तो कोई समाज का ना वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है ना कोई है, सिर्फ वो बेटी का स्टेटमेंट है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई, उसके आधार पर FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? और अगर सही है सेक्शन में FIR दर्ज नहीं है तो वहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज में मुकदमा ट्रायल चलना चाहिए, और इस केस में मैं लेकर के जाऊंगी ये सारी चीजों को कि आखिर क्या वजह थी, क्यों उस बेटी के स्टेटमेंट को प्राइमरी लेवल पे जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आधार पे FIR दर्ज नहीं की गई, क्योंकि वो बेटी उस टाइम पुलिस जवाब दीजिए पुलिस स्टेशन में वो बेटी लेटी हुई है और बिना उसको देखे मुझे जवाब देना है। जी बिल्कुल, ये जवाब देने लायक नहीं है। सीमा जी, आप एक बार मुंह खाई है, एक बार इन्होंने मुंह की खाई है, जवाब सुनने का जिगरा रखो, दिल पे हाथ रखे रखो, FIR जब 376 जी की रजिस्टर्ड हो सकती है, ऐसा नहीं हाथ रखे कोई 376 जी और 376 की FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई, FIR रजिस्टर्ड हुई है लेकिन जब उस समय घटना ही नहीं हुई तो कैसे 376 की दर्द हो जाती है? आप सुनिए, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है। देखिए पीड़िता की जो भाई है उसका हाथ लिखा हुआ लेटर, देखिए पीड़िता का हाथ लिखा हुआ लेटर भाई का, ये क्या पीड़िता के भाई का, स्क्रीन करिए, स्क्रीन जूम करिए, आप वीडियो में बोल रही है बलात्कार रखो, आप स्टूडियो में बैठ के नहीं ग्राउंड जीरो पे आइए, इस मामले में जो आप बात कीजिए ना आप क्या दिखा रहे हैं, आप आईडेंटिटी रिवील करके क्राइम कर रहे हैं, कैसे वकील है आप, कैसे वकील है आप, होने के बाद आप कागज दिखा रहे हैं, पीड़ित का नाम दिखा
दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर, क्या दिखा रहे हैं, कहने को कुछ नहीं, कागज दिखाएंगे आप, निवेदन ये नाम नहीं बोलिए आप, इतना तो लिहाज कीजिए, वकील है जानते होंगे, उसकी हैंड राइटिंग है। इस समय कोई राजनीति नहीं थी, उस समय कोई मीडिया ट्रायल नहीं था, उस समय कोई जातिवाद नहीं था, उस समय आप सुनना नहीं चाहते, 2022 का इलेक्शन पूछा जा रहा है, सुनना नहीं चाहते, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा बेशर्मी आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप विक्टिम का नाम कैसे ले रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, ये बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। आप किस तरीके के वकील हैं सिंह जी, इसीलिए सवाल पूछा जाता है आपसे बार बार, आप विक्टिम का नाम क्यों ले रहे हैं, कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं आप, कर रहे हैं, ये क्या तरीका है, पढ़ना क्या पड़ेगा, आप वकील है, आप केस लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं विक्टिम का नाम लिया जाता है, शक्ल दिखाई जाती है, सिंह जी कैसी वकालत कर रहे हैं आप, मॉरल पुलिसिंग से आप यहाँ मेरी बहन, आप बताएंगे कि लड़कियों को घर से बाहर निकलने का नहीं, और अब आप नाम ले रहे हैं विक्टिम का, नाम ले रहे हैं आप विक्टिम का, ये बहुत शर्मनाक है। योगिता जी, मैं बार बार यही बोलना चाहूंगी, अभी भी ये देखिए यहाँ पर चैनल पे बैठ के ये झूठ बोल रहे हैं, अंदर कोर्ट रूम में तो ये बिल्कुल ही झूठ बोलते ही बोलते हैं, और यहाँ पे बैठ के चैनल पे भी झूठ बोल रहे हैं ये इंसान, मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ पर ना कि एग्जिस्ट करते हैं बल्कि कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मुझे तो हैरानी है, इनकी प्रैक्टिस भी अभी तक चल रही है, इनका अभी तक लाइसेंस कैंसिल, एक मिनट, इंसान भी जो है और ये दोबारा आयोग नहीं है, आप दोबारा बोलिए, नहीं है महिलावाद के नाम पर, नहीं हो सकता कि महिला आयोग और महिला आबादी के नाम पर पूरे देश को आप बना दो, जातिवाद का नाम दे दो, आप जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा संप्रदाय के बाद देश को बांटना चाहते हैं, देश में जातिवादी हिंसा फैलाना चाहते हैं, इस तरह की रचना रच रहे हैं आप, इस तरह, अरे आप कह रहे भाई नहीं था, ये भाई की राइटिंग है, ये भाई की राइटिंग ओरिजिनल, ये इसे एसआईटी मिलेगी, इसे एसआईटी मिलेगी, इसे सीबीआई मिलेगी, इसे सीबीआई मिलेगी, आप पैसे बिना डॉक्यूमेंट के बैठ जाते हैं, मेरी बेटी होती तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरी बेटी होती तो मैं उसके साथ क्या करता, ये वो वकील है, ये इंसान दिलाएंगे, कुछ लेके भी बैठा करो, अरे कुछ मेहनत कर लो, केवल बातें बातों के, महिलावाद की बात हो रही है, देश की हर बेटी जो कह रही है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, जो कह रही है बलात्कार हुई, वो यहाँ महिलावाद की बात कर रही है, शर्म आती है इस तरीके के वकील हमारे बीच, और एपी सिंह ये वही वकील है जिनकी हमेशा से इस बात को लेकर निंदा होती रही है कि महिलाओं के प्रति इन्होंने इस तरीके की सोच जो है जग जाहिर की है। वकील एपी सिंह ने यहां पर देखिए किस तरीके से कानून का उल्लंघन किया है। एबीपी न्यूज कड़ी आपत्ति जाहिर करता है इस बात पर कि आपने विक्टिम का नाम लिया है नेशनल टेलीविजन पर। हमने इस बात को हमेशा से कहा है कि विक्टिम की आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना चाहिए। विक्टिम भले ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन उसका परिवार आज भी इस जंग को लड़ रहा है, उसकी मुश्किल को आप और न बढ़ाएं। तो एबीपी न्यूज कड़ी आपत्ति जाहिर करता है। एपी सिंह जी जो आपने हरकत की है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। योगिता है, उठा उठा के पटक के मार दिया लड़की को लव अफेयर के चक्कर में, और इस तरह से आप कह रहे हैं वो भाई नहीं है, ये भाई की हैंड राइटिंग है। खुद कह रहा मैं घास छीला था, मैं घास डालने गया, मेरी माँ थी वो वहाँ थे। इसको सुनो, इस आप चलाते रहो बैठ के वहाँ बैठ के, बिल्कुल अपने कानून का दुरुपयोग करते रहो। ऐसा कानून का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के सामने नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सोचते रहिए, ये डॉक्यूमेंट को देखो, ऐसे थोड़ी है, ये देखिए कतिपय, और सुनो बिल्कुल बचा ही नहीं पाए क्योंकि वो दोषी थे। आपके बोलने से थोड़ी ना फ्रस्ट्रेशन है ना, योगिता प्रतिमा जी फ्रस्ट्रेशन है ना, जिस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा गया उस केस को ये हार गए तो ये फ्रस्ट्रेशन है कि इसको महिलावाद भी जोड़ना है, महिलावाद से जोड़ा जाएगा, और उसके बाद कहते हैं उसके बयान हो रहे हैं, योगिता यही करेंगे, ये इंसान के नाले लायक नहीं है। वकील कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इसको हर बलात्कारी को बचाना होता है, इसको हर मामले में कूदना होता है, जहाँ पे महिलाओं, जहाँ पे बच्ची चली गई, टाइम डिक्लेरेशन है, वो कह रही है मतलब मेरे साथ हुआ है, ये इंसान उसको भी डिफेंड कर रहा है, किस तरह का इंसान है ये, मुझे ये नहीं समझ आता, लड़के भी जिंदा रहेंगे, ये वहाँ पर कोर्ट में क्या क्या लैंग्वेज बोलते थे, अगर सामने आ जाए पब्लिक के तो इसको जूते मारेगी पब्लिक, कानून की दुहाई देते हैं आप एपी सिंह जी, लेकिन आपने जो अभी किया है निंदा करता है, ये बहुत शर्मनाक है कि आपने विक्टिम के नाम को सोशल किया नेशनल टेलीविजन पर बैठकर, विक्टिम का नाम, सीमा जी ऐसा करने पर कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, किस तरह बिल्कुल देखिए एपी जी
ये जो अगर इस तरीके से किसी की आइडेंटिटी जो है जो पीड़िता है विक्टिम पीड़िता है जो बलात्कार पीड़िता है इन पर FIR हो सकती है, ये नाम नहीं ले सकते पहली चीज। और दूसरी चीज दूसरी मैं बात करूंगी क्लियर कि जिस तरीके से महिलावादी करके बात कर रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर इनका बनाया हुआ है, पूरा ये समाज इनका बनाया हुआ है, कितने समाज का मेकिंग किया है, इन सारी चीजों पर बात होगी, इन सारी चीजों पर बात होगी। और दूसरी चीज ये बोले लड़की उनके परिवार ने मार दिया है इनको, इनको शर्मा नहीं चाहिए, ये एंगल देने की कोशिश की जा रही है, राजनीति तो अब हो रही है। झूठे केस करने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मर झूठी तो निर्भया भी थी आपके लिए एपी सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात आप नेशनल टेलीविजन पर कर रहे हैं, आपके लिए निर्भया भी थी। योगिता आप सुन रही थी इससे पहले जिस तरीके से बात कर रहे थे एपी सिंह इस पूरे मामले में, तो इन पर भी अब केस दर्ज हो सकता है। आप लोग विक्टिम के साथ नहीं खड़े हो सकते लेकिन कम से कम उनकी नाम पहचान को आपको पता होना चाहिए वकील होने के नाते कि आप जग जाहिर नहीं कर सकते। बिल्कुल इनको तो पता होना चाहिए, मैं वही तो बोल रही हूँ कहाँ के वकील हैं, इनको खुद ही ये लॉ तोड़ते हैं। दूसरी एक बार में इन्होंने बहुत मौके दिए हैं इनको, इनको तो बस समझ लीजिए इनके स्टार सिंह से पहले योगिता को एक बार आपके पास भी आएंगे, निर्भया के पास भी आने की कोशिश की है, जब दोनों साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने योगिता से सवाल पूछा था एपी सिंह जी, कहेंगे स्टेटमेंट एपी सिंह जी, आप कहेंगे FIR गलत दर्ज हुई, जो FIR अंडर सेक्शन 307 की दर्ज हुई है उसको मानिए, और जो इसके खंडन किया है, देखिए आपके पास खंडन है, जो हाथरस पुलिस ने खंडन किया कि कतिपय सोशल मीडिया के माध्यम से यह असत्य खबर सार्वजनिक रूप से फैलाई जा रही है कि थाना चंद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृतका की जीभ काटी गई, जीभ काटी गई, आंख फोड़ी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, हाथरस पुलिस असत्य भ्रामक का खंडन करती है, खुद ही कानून तोड़ती है, तभी तभी तो ये बलात्कार के साथ खड़े होते हैं। एक बार नहीं, इन्होंने हजारों बार कोर्ट रूम के अंदर कानून तोड़े, इन्होंने निर्भया का चरित्र हरण किया है, इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर सवाल उठाए, इन्होंने डॉक्यूमेंट्री के ऊपर कानून तोड़े हैं, ये कानून तोड़ने के आदि हो चुके हैं, इसीलिए आरोपी पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है, ये बार बार कानून तोड़ेंगे क्योंकि इनका एक ये मानसिकता इनकी दिखाता है। तो अभी तो डेफिनेटली इसको टेकअप करना चाहिए, आपके चैनल के थ्रू इनको एक्सपोज करना चाहिए, इस तरह के लोग जो खुद ही राजनीति आई तो इस बयान में लास्ट में मेरे को नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है एपी सिंह जी, अच्छे कारणों से नहीं बुरे कारणों से जानता है आपको, आपको बुरे कारण, आप वाल्मीकि हैं, आप ये बार बार कास्ट का इशू क्यों लेकर आ रहे हैं, उसकी अपनी ये कहते आप बस को जाएंगे, जातिवाद तो आप लोग करते हैं, जातिवाद तो आप जैसे लोग करते हैं, अभी आप बोल रहे हैं वाल्मीकि ऊपर बन रहे हैं, कौन से समाज के साथ जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है ये सब बोलते हुए? दुनिया भर की सेनाएं इकट्ठी हो रही हैं, दुनिया भर की वहाँ पे जातिवाद का जो असर फैलाया जा रहा है, ये समझिए, और आपने और आप लोगों ने मीडिया में इस वकालत कर रहे हैं, तो अभी भी हैरान उठा दिया कि आरोपी ने पुलिस अधीक्षक को लेकर, सिंह जी मैं अभी भी ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो कहना आपको कहने का मौका दूंगी, लेकिन आप अगर लगातार बोलेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना जो बाकी मेहमान है उनकी। सीमा बोलिए, सीमा जब FIR सही थी SP को क्यों सस्पेंड किया गया, जब नेग्लिजेंसी नहीं थी CO को क्यों सस्पेंड किया गया, SHO को क्यों सस्पेंड किया गया, जब इतने ही नील एंड क्लीन थे आप शुरू से, तो फिर ये सब क्यों किया गया, किसके दबाव में किया आपने, क्या अगर लोग दबाव बनाएंगे और चीजें सही है तब भी आप ऐसा करेंगे, इसका मतलब है कि नेग्लिजेंसी हुई है, और इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हलफनामा देकर के सर्वोच्च न्यायालय में कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने इस चीज को एडमिट किया है कि हमने रात में अंतिम संस्कार किया है, क्यों किया है, वहां पर मात्र प्रतिमा जी रात में 200 से 300 पुलिस ऑफिसर हैं ड्यूटी पर, और लोग हैं 50-60 लोगों से इनको समझ में आ रहा कि दंगा हो जाएगा, जहां पर 300 पुलिस ऑफिसर है, परिवार को घर के अंदर बंद कर दिया और उस बेटी को कैरोसिन डाल के जला दिया, बाद में लिख रहे उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे, पता नहीं किन लोगों को ये लोग पकड़ लाए और जबरदस्ती पुलिस ने उसको मुखाग्नि जो होती है उस बॉडी को चिता को अग्नि देना वो पुलिस ने लगाई है, और कह रहे हैं कि परिवार ने किया है, ये चीजें अभी अंडर इन्वेस्टिगेट है, सबूत हमने देखे हैं और ये सारी चीजें कोर्ट में आर्गुमेंट में आएंगी। मेरा तो सिंपल सा मानना है कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिले और जो निर्दोष हैं वो छूटे, लेकिन जुडिशियल सिस्टम का
चीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एलिगेशन लगाना कि पीड़िता का उस लड़के के साथ संबंध था, एफेयर था, शर्म आनी चाहिए। हर केस में ऐसा ही होता है। और क्या इस देश के अंदर जो 104 कहाँ ले जाओगे, सीडीआर कहाँ जेल में रखोगे, 62 साल लड़की की तरफ से लड़के को ही, 42 साल लड़की के लड़के की तरफ से लड़की को ही, उनको सीडीआर कहाँ जेल में रखे, नारीवाद ले जाएंगे आप, ये तो बता दो। ये वो अपराध है तो है। मैं बीच में बोली हूँ, आपको डिग्निटी नहीं पता है, आपको कैसे बात करनी है, आप बीच में मैं बोली हूँ, इंटरफेयर किया है। अपनी अपनी डिग्निटी संभाल के रखो, अपनी डिग्निटी संभाल के रखो, ठीक है। चैनल पे बैठ जाने से डिग्निटी नहीं बन जाती है। डिग्निटी कैसे बनती है, आप ये भी बता रहे हैं सिंह जी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट मर्यादित होकर बोलिए अपनी बात। नारी का डिग्निटी बचाइए, डिग्निटी कैसे बचाइए, क्या बोल रहे हैं, कौन सी धीर उपाय अंबानी और अदानी के बिजनेस की बात हो रही थी 104 काल पे। बात केस पर हो रही है, केस पर ही रखिए, इधर उधर मत भटकिए। मैंने इंटरफेयर किया बीच में, मैं बोली, सीमा जी कंटिन्यू, सीमा जी कंटिन्यू, एपी सिंह जो कहना चाहते हैं वो भी सुनेंगे। सीमा जी कंटिन्यू। नहीं, मैं बीच में बोली, आप अपनी बात रख रहे हो, मैंने इंटरफेयर किया, सुनने की भी क्षमता रखो। मैं बोल रही हूँ प्रतिमा जी, एवरीथिंग, मैंने वो सीसीटीवी फुटेज निकल पाया है, उस बेटी का जो ब्रदर है वो जहां पर जॉब करता है उस टाइम एंड डेट सीडी उसमें जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें मौजूद है। मेरे पास सारी चीजें हैं, मैं कोर्ट में प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि जो धीरे धीरे ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इसको ऑनर किलिंग, इन सारी चीजों का देने की कोशिश की जा रही है, उस हर बात का मैं आपके चैनल पे खंडन करती हूँ। मेरे पास वो सारे सबूत हैं, और ये ट्रायल जो होगा वो कोर्ट में होगा, अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये केस। लेकिन हमारे देश में बेटियों के करेक्टर पर इस तरीके से उंगली उठाना ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये हमारे पूरे पेट्रियोटिक सिस्टम, ये कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि बेटियां कैसे रहेंगी कैसे नहीं। ये पूरा सभ्यता संस्कृति की रचनाकार बेटियां भी बनेंगी आगे आने वाले टाइम में। ये सत्ता, ये प्रशासन, ये संस्कृति सब कुछ पुरुषों द्वारा बनाया गया, इन्होंने अपने तरीके से फ्रेम किया है इस पूरे सिस्टम को, और एक स्त्री को सबसे निचले पायदान पे छोड़ दिया, चाहे वो ब्राह्मण समाज की स्त्री हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज की स्त्री हो, चाहे वो दलित, चाहे ओबीसी, हर बेटी पीड़ित है, अपने समाज के अंदर भी पीड़ित है, दूसरे लोगों से भी पीड़ित है, एडमिनिस्ट्रेशन से पीड़ित है, पॉलिटिक्स से पीड़ित है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे, बार बार महिला आयोग बना लो ना पुरुष आयोग, किसने रोका है, आप आरोपियों के वकील हैं, ठीक है, कानून में सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर वो चाहें तो वो वकील हायर करें और अपने आप को डिफेंड करें, ठीक है, माना। लेकिन ये महिलाओं का चरित्र हनन क्यों, ये ट्रेंड तो हम निर्भया के समय से देख रहे हैं, आप तो सीधा सीधा चरित्र पर सवाल खड़े कर देते हैं। मैं कह रहा ये बहन भाई थे, मैंने कहा ये बहन भाई की बातें थी, बता तो दो, पीड़िता तो नहीं रही, दुख है, लेकिन मुलजिम भी हैं, और जो जिनकी टेलीफोन कॉल पे बात होती थी 62 काल मुलजिम से किस लिए हुई, लड़की के फोन की तरफ से, भाई के फोन से, और 42 काल लड़के से पूछ लो इन्वेस्टिगेशन में, लड़की के भाई के फोन पे क्यों हुई, 5.5 घंटे क्या बातें होती थी, जबकि गांव में घर पास पास है, सब पड़ोस में है, कितने लोग पड़ोस के अपने गांव में घर में बैठ के दूसरे पड़ोसी के गांव के घर में फोन करते हैं, सब आमने सामने जाके बात कर लेते हैं, वो क्या बात होती है, पता कर लो। उस कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था पहले, भगाया गया इसे, अफेयर मैं नहीं कर रहा, मैं बहन भाई थे, मैं बहन भाई थे, अफेयर था, ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं, क्यों कहा गया इसको, देखो आप कह रहे हैं वो है ही नहीं, आप कह रहे हैं लड़की का भाई है ही नहीं, इस जानवर से कोई पूछे, मैं तो इसको इंसान भी नहीं बोलना चाहती हूँ कि क्या अगर फोन पे बात हो रही है तो क्या उसका बलात्कार नहीं हो सकता, क्या फोन पे बात हो रही है तो क्या उसका मर्डर उसने नहीं किया, ये कौन सी बात है, ये क्या बकवास है, ये क्या कैरेक्टर असैसिनेशन है, मेरे को इस इंसान की एक शब्द में सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सुन के तो मतलब बुरा दिन खराब होने वाला है, मुझे इसकी एक भी बकवास नहीं सुननी है, इसने तो निर्भया के लिए ना जाने क्या क्या बोला था, रात को वो बस में गई थी, इस तरीके की महिलाएं, इसकी बकवास सुनने के लिए महिला क्या होता है, आप बहुत बकवास कर रहे हैं, इनसे टेक्निकल बात कीजिए, लीगल बात कीजिए, इनसे कोई और इनकी बकवास सुननी नहीं है, शर्म नहीं आती, शर्म पूरा देश आप पे लानत देता है, पूरा
पूरा देश आप पे लानत देता है, पूरा देश आप पे लानत देता है। एक जगह पे अटक क्यों जाती है आप महिलाओं को इस तरीके की, उस तरीके की क्यों कहते हैं? ये नहीं चलेगा। भूमि लो रही है, याद रखिए, आप समझ रही हैं क्या इस तरीके की महिलाएं? क्योंकि पुरुष की कोख से पैदा हुई, आप मेरी छवि किसी के साथ अगर हाथ जोड़कर बात कर रही हैं, तो ये पहले जो दुनिया में नहीं है, आप किसी शादी की विनती है मेरी, विनती है मेरी, आप बाकी सब छोड़ दीजिए, जो इस दुनिया में नहीं है उसका सम्मान कर लीजिए। किसी जी करेक्टर असैसिनेशन आपकी आपके बायोडाटा का हिस्सा रहा है। मैं निर्भया के समय से देख रही हूँ, निर्भया के समय से देख रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि आपसे बात करते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है। योगिता, अब से कुछ देर पहले तक एपी सिंह ने जो कुछ कहा वो किसी के हलक से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी की जो आपत्तिजनक थी। लेकिन इस पूरे मामले को अब आगे कहां जाते हुए देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंच गए हैं आरोपियों के पास, अब क्या? देखिए, अब देखिए, जांच तो हो रही है सीबीआई से, तो अच्छी एजेंसी अभी मुझे नहीं लगता भी है कि जो इसको पूर्ण रूप से एक वहां पर लेके जा सके, लक्ष्य तक लेके जा सके, तो सीबीआई है, एसआईटी ने अपना काम कर दिया। हाँ, अभी तो एसआईटी का ही चल रहा है, फिर सीबीआई की भी बात, मतलब अभी जांच एजेंसीज अपना काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे पास, जो एक अगर हम पीड़िता के पक्ष की बात करें, तो एक उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, सो सब कुछ उसी पे बेस होता है। हम कानूनी लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा है कि अब तो सब अपनी राजनीति या एपी सिंह जैसे वकील जो है उसको खराब करने के लिए आएंगे। इन्होंने पूरी कोशिश निर्भया में भी की थी केस को खराब करने की, लास्ट तक जद्दोजहद आपने देखी थी कितनी हुई थी, तो वो अपना काम करेंगे। ऑफकोर्स उनको भी सपोर्ट मिली है और मिलनी चाहिए, हर एक पक्ष को मिलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम यहाँ बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हुआ, हमें तो ये पता है कि एक बच्ची थी 19 साल की, और जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसके साथ गलत हुआ है। आरोपी अब क्या है क्या नहीं वो कोर्ट में तय होगा, पर हमें एक ही बात का, निष्पक्ष जांच होगी, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप जैसे मीडिया की वजह से इसको लगातार आप उठाते रहे, आपका तो चैनल वहां बिल्कुल ही प्रोमिनेंट रूप से वहां पर उठा रहा है, सच्चाई को दिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है ये अपने लक्ष्य तक जाएगा और न्याय मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। योगिता, उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसको न्याय कैसे मिलेगा? सही है योगिता, इसी पर आगे चर्चा भी करेंगे कि जब मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है, तो उस पर फैसला आप पहले कैसे सुना सकते हैं? आप देखते रहे एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।